भाई कैसे हैं हम लोग। कई दिन से सोच रहा था एक दो बात करने की आपसे यार। एक जो मुद्दा आजकल चल रहा है लव जिहाद बहुत वर्ड सुनने में आता है। और सही बताऊँ तो मैं भी ना कुछ टाइम पहले तक मतलब इस वर्ड को यूज करता था। हाय कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ आपका फ्रेंड रवि। आज हम एक मुद्दे पे बात करेंगे। कई दिन से सुनने में आ रही हैं, कई बातें बहुत चल रहा है, मैं डेली न्यूज़ पढ़ रहा हूँ। एक मुद्दा चल रहा है लव जिहाद, जिसको बोल रहे हैं लव जिहाद, या श्रद्धा मर्डर केस, जिसकी अभी रिसेंटली आफ्ताब एंड श्रद्धा वाला मर्डर केस है उसकी बात चल रही है। तो यार एक चीज़ समझ नहीं आती मुझे। ठीक है, माना कि यार क्राइम बहुत गलत हुआ, इट वॉज अ डिजास्टर एक्चुअली। बहुत गलत, मतलब किसी एक्सट्रीम लेवल का क्राइम था ये। और ये क्राइम जब किया गया, ठीक है मैं मानता हूँ कि यार किस रीजन से हुआ मुझे ये नहीं पता, गुस्सा है या नहीं था, जो भी था, बट इट वॉज वेरी हॉरिबल क्राइम एक्चुअली। तो इस क्राइम को करने के पीछे आफ्ताब ने दलील ये दी कि जी मैं गुस्से में, मेरे से हो गया यार। गुस्से में तो यार गुस्सा तो हमें बहुत आता है, बट गुस्से में यार इतना तो थोड़ा यार कि क्या हो गया, कैसे हो गया। और ठीक है तुमने गुस्से में काम कर लिया, उसका तुम उसको छुपा रहे हो, विच इज एक्चुअली क्राइम। ये अपने गुस्से में कुछ काम कर दिया, उसका यार तुम मिसगाइड कर रहे हो, दुनिया को कर रहे हो, उसके पेरेंट्स को कर रहे हो, उसके फादर मदर, उसके फ्रेंड्स जो भी है, सब उसको रेगुलर अप्रोच करने की कोशिश कर रहे थे और मिसलीड कर रहे हो आप सबको। तो वो आपने गलत किया उसके साथ। अब सेकेंडली हम बात आते हैं लव जिहाद की। तो वही ये वर्ड जो है ना आजकल सुनने में बहुत आता है, लव जिहाद बहुत बोला जाता है। बट ये चीज बताओ, लव जिहाद होता क्या है? इसको लव जिहाद बोलेंगे? नहीं भाई, लव जिहाद नहीं, लव जिहाद अलग चीज होती है। लव जिहाद होता है, मैं ये नहीं कहता एग्जिस्ट करता है लव जिहाद एग्जिस्ट यहाँ करता है जब कॉन्स्पिरेसी होती है इस चीज की कि आपने करना है और आपने उस लड़की को बेसिकली हिंदू लड़की को मुस्लिम में कन्वर्ट करा के आगे अपनी जो जनरेशन उसको आगे कंटिन्यू करना, उसको लव जिहाद बोलेंगे। ये लव जिहाद होना है, मार दिया उसको लव जिहाद होना बोलेंगे। और दूसरा देखो यार, अभी रिसेंटली तीन चार दिन के, मतलब इसी हफ्ते 10 दिन के अंदर कई ऐसे केसेस आए हैं जिसमें बंदों ने, मतलब जो पेरेंट्स ऑनर किलिंग जिसको कहते हैं, ऑनर किलिंग हो गई, कुछ वैसे गैंग रेप हो गया, ये सब हो गया। तो यार उसमें क्या बोलोगे यार? वो तो लव जिहाद नहीं है ना। जो कल्प्रिट है वो भी हिंदू और जो विक्टिम है वो भी हिंदू, तो वो तो लव जिहाद नहीं है ना। तो यार लव जिहाद से मत जोड़ो यार इसको, लव जिहाद इज डिफरेंट थिंग। लव जिहाद एग्जिस्ट करता है, मैं मानता हूँ, वो गलत है, वो भी गलत है। कॉन्स्पिरेसी जो है आप एक षड्यंत्र बना रहे हो कि हिंदुओं की लड़कियों की से आप वो करोगे, वो गलत है। बट ठीक है यार, आप अपने हिसाब से चलो यार। मैं किसी भी कम्युनिज्म, किसी भी धर्म को, किसी भी जात को मैं गलत नहीं कहता, सब अपनी जगह सही है और ये चीज होनी भी नहीं चाहिए। इनफैक्ट मैं तो बिलीव करता हूँ कि अगर कुछ ऐसा होना कि हम सब अपने आप सरनेम जो है वो इंडियन कर लें या इंडिया कर लें, बट वो पॉसिबल नहीं है यार। हम इस बड़ी कंट्री में रहते हैं और यहाँ पे तो सब कुछ मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। तो वो चीज़ ना, आप बेसिकली लव जिहाद की जो बात करें, लव जिहाद को तो मैं खारिज करता हूँ। लव जिहाद अलग चीज़ है और वो होना नहीं चाहिए, वो भी गलत है और ये लव जिहाद में आता नहीं। सेकेंडली इस तरह के केसेस हो रहे हैं, अभी आज भी न्यूज़पेपर में सुबह पढ़ा है, एक फरीदाबाद में 3 दिन से कंटिन्यूसली सूट केस में डेड बॉडीज मिल रही हैं। और कई बार ऐसा भी नहीं पता कि मेल है फीमेल है, मोस्टली फीमेल्स की निकल रही हैं। एक आधा केस में तो पता लगा कि वो जो डेड बॉडी थी, एक अभी मथुरा में निकली थी, वो पेर यादव फैमिली थी, शायद मेरे ख्याल से बदरपुर के रहने वाले थे दिल्ली के। तो उन्होंने अपनी बेटी को ऑनर किलिंग किया है, और वो भी इसलिए कि बेटी का किसी अफेयर चल रहा था, उसने मैरिज कर ली, मैरिज तक भी सब कुछ ठीक था। उसने पेरेंट्स पे एक फॉल्स प्रेशर बनाने के लिए उनको बोल दिया कि आई एम प्रेग्नेंट, बस उसी चीज के ऊपर उसको शूट कर दिया उसके फादर ने। और शूट किया, गुस्सा किया, उसके बाद भी तुम वही वाली सेम वही जो मैंने आपके आफ्ताब का बताया कि यार उसको तुम सूट केस में डाल के वहां फेंक के आ गए यार। व्हाट इज दिस यार, अपनी बेटी को मार दिया यार, उसके बाद तुम ऐसे उसको छुपा रहे हो यार, गलत है यार। मतलब थोड़ा सा ना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है लोगों को, और काउंसलिंग की जरूरत है। और दूसरा जो लव जिहाद की बातें करते हैं भाई, आप देखो यार, मैं ना किसी के भी अगेंस्ट ही, मैंने पहले ही बोला, अभी भी मैं ये कह रहा हूँ, बट यू नो सबसे ज्यादा क्राइम
किस धर्म में क्रिमिनल्स किस धर्म में मिलते हैं, आई थिंक सब जानते हैं। मैं फिर भी बोलता हूँ सबसे अधिक क्रिमिनल जो मिलते हैं वो मिलते हैं मुस्लिम्स में। बट क्यों मिलते हैं यार, किसी ने सोचा कभी कि क्या रीजन है उसके पीछे? इस तरह से जो ये हाल है वो दुबई में क्यों नहीं है, वो किसी और अच्छी डेवलप्ड मिडिल ईस्ट कंट्री में नहीं है, इनफैक्ट पाकिस्तान में भी इतना नहीं है जितना इंडिया में है। उसका ही रीजन है यार, उसका रीजन है उनको एक तरह से अच्छी एजुकेशन ही दी गई, चाहे वो ओबीसी की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी, मतलब मैं सबको लेता हूँ, एक्सवाइजी, उनको उन्होंने ली नहीं, आप उनको शिक्षा दी नहीं। जब तक एजुकेशन नहीं होगी कैसे बंदा समझेगा यार सब चीजें? आप ये तो बड़ा जल्दी एलिगेशन लगाना सही है कि यार मुस्लिम्स में ज्यादा क्रिमिनल्स आते हैं, क्राइम की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्यों होते हैं यार? क्यों नहीं उनको एजुकेशन दी जाती, एजुकेशन की तरफ क्यों उनको इंस्पायर नहीं किया जाता? तो यार मेरे हिसाब से तो इस चीज पे भी थोड़ा सा फोकस होना चाहिए ना। आज 70 साल 80 साल हो गए, अभी बड़ी बातें होती है कि 70 साल में उन्होंने क्या किया, वो कहते भाई इनकी हर एक ही चीज बोलते हैं, लेकिन यार मैं तो कहता हूँ कि 70 साल में भाई साहब आपने बाकी क्या किया यार? ना कोई किसी तरीके का एक रेशो बना के रखी, मतलब ना कोई रेशो बना के रखी 70 सालों में, प्लस जात पात धर्म आज भी हम उसी पे लड़ रहे हैं यार। क्या करोगे, कैसे जाओगे आगे यार? बात हम करते हैं यूएस, ब्रेन ड्रेन होता है यार इंडिया में भाई साहब, ब्रेन ड्रेन हो रहा है बेसिकली, और कुछ नहीं है, इन्हीं चीजों से ब्रेन ड्रेन होता है। आई नो सम पीपल जिन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की है, ठीक है यार चल रहे हैं, मैं किसी को गलत नहीं कहता, किसी का मन करता करे यार, लेकिन आप किसी को जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते और किसी को आप कह नहीं सकते कि तूने क्यों किया। बट सीधी बात है, ऑल्दो हर लड़के लड़की का भी फर्ज बनता है कि वो पहले अपना अच्छा बुरा भला सब कुछ देख के उसके बाद ही आगे इस चीज पे कुछ करें। ये ठीक नहीं है यार कि आप बाद में ब्लेम करो भाई ऐसे ऐसे, बट यार रियली यार मतलब रियली सॉरी टू से यार, लेकिन थोड़ा सा ना मतलब कंट्री में है और इसी वजह से ब्रेन ड्रेन होता है, जो सही दिमाग वाला होगा ना वो सोचेगा यार चलो यार यहाँ से निकला जाए, सबको छूट मिलनी चाहिए यार। और मुस्लिम्स को छूता इसलिए बोलते हैं कि थोड़ा सा उनका मतलब मैं मैक्सिमम लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं टोटल की बात नहीं कर रहा, कि कुछ रहन सहन और कुछ हुआ है तो यार उसको उस पर ध्यान देने की जरूरत है यार, तो थोड़ा एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा ना तो सब कुछ सही होगा। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं मुस्लिम्स हैं, दे आर वेरी वेल डेवलप्ड यार, बहुत अच्छा, मतलब उनको आप फील ही नहीं होता कि यार आप एक मुस्लिम से इस तरह से बात कर रहे हो, तो यार वो चीज़ तो करनी पड़ेगी। जैसे हम अपने बाकी लोग हैं, बाकी धर्म के लोग हैं, तो सेम एक ऑनर मिलना चाहिए। और आप हम यार यहाँ पे हम लोग 21वीं सदी के भारत में हैं हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोगों को अब वो चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा, मुस्लिम्स हिंदूस सब के साथ ही रहना है, ये एक्चुअल है यार। आप एक घर में रह रहे हैं ना भाई, तो अगर सपोज एक या कोई घर में नया मेंबर आ गया वो सही नहीं है तो उसको क्या, तो बाहर सुनना निकाल देंगे यार, उनके साथ रहना सीखना पड़ेगा ना। तो थोड़ा सा हम सबको एक विवेक से काम करना पड़ेगा, थोड़ी सी एक अच्छा एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा, और हमें ना इन सब चीजों से ऊपर निकलना पड़ेगा, तभी हम लोग बेटर जो है ना एक अच्छे इंडिया की हम एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। तो भाई यही है बस, अब फिलहाल तो आज यही बात करनी है, बट ये यार गलत हो रहा है जो गर्ल्स के साथ लेडीज के साथ इस तरह के वाहियात हरकतें हो रही हैं, जघन्य अपराध हो रहे हैं। मतलब यार एक बंदा कट कैसे कर सकता है यार किसी की पीस को यार, यार अपना हाथ कट जाए तो यार वो नहीं देखा जाता, बट यार हिम्मत है यार। और मेरे हिसाब से भैया इस पे लॉ की जरूरत है, लॉ बने अच्छा। लॉ निर्भया कांड 2012 में हुआ था, आज 2022 में बैठे हुए हैं, सेम मंथ नहीं वो दिसंबर 2012 की बात है, नवंबर 2022 में बैठे हैं, ऑलमोस्ट हम 10 साल क्रॉस कर चुके हैं, बट ये चीजें नहीं रुक रही हैं। उसका कोई रीजन है, उसकी तह तक कोई नहीं जा रहा, उसकी तह तक जाने की जरूरत है कि भाई साहब इनको सजा मिलनी चाहिए। तो भाई मुद्दे वाली बात ये है कि इस चीज पे ना लॉ की जरूरत है और स्ट्रॉन्ग लॉ की जरूरत है। दुबई या इस तरह के कंट्री जो हैं वो क्यों डेवलप्ड हैं कि वहां पे उन्होंने लॉ में ना मतलब एक पनिशमेंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग देयर, मतलब एक अच्छी सजा रखी गई है इन सब चीज के लिए, बहुत सॉलिड है। हिम्मत नहीं करता कोई यार, मुझे आज पता लगेगा कि यार इस काम पे ये सजा तो मैं वो काम नहीं करूंगा, जब मुझे पता होगा ना यार ठीक है यार चलता रहेगा केस, 10-12 साल हो जाएगा उसका, ज्यादा उम्र कैद हो जाएगी, फिर कुछ टाइम बाद अच्छे बर्ताव पे छोड़ देंगे, ये होगा होगा, तो वो माइंडसेट बन चुका, उस माइंडसेट से निकलना पड़ेगा जब सजा होगी, और सजा घर पे बतानी पड़ेगी बच्चों को कि बेटा ये करेगा तो ये है।
फिर नहीं कर हिम्मत कर पाएगा, कोई बच्चा ही नहीं कर पाएगा. तो इस चीज पे यार वर्कआउट करने की जरूरत है. क्या सेक्शन इज द बेस्ट सॉल्यूशन? एक बार होगा ना भाई साहब, मैं कह रहा हूँ ठीक है कैपिटल पनिशमेंट मत दो, बस कैसेक्शन दो. एक बार होएगा अगला भाई साहब उसके साथ के ना हजार बंदे रुक जाएंगे. हजार क्या, जब लॉन्ग टर्म पे होगा तो हिम्मत ही नहीं कर पाएगा कोई इस चीज की. तो बॉस समथिंग इज टू बी नीडेड बाय द गवर्नमेंट एंड वी ऑल पीपल. तो इस तरह से शोर मचाने से कुछ नहीं होता यार. फालतू की तरह तरह की डिबेट चलती है, मीडिया वालों को मजा आता है, टीआरपी मिलती है, सबको फायदा होता है, लेकिन उस चीज का कोई फायदा नहीं है ना. अल्टीमेटली किसी एक की जो लाइफ लॉस होता है ना, उस लाइफ लॉस, वो जो लाइफ लॉस है ना, वो रोकना जरूरी है यार. एक कोई जान दे दे और उसके बाद फिर बैठ के तमाशे हो, वो सही नहीं है. उससे बेटर है यार उससे जो उसकी जान बचाई जा सके ना वो करो यार. तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ करें. थोड़ा मैंने बताया कि एजुकेशन सिस्टम पे कुछ वर्कआउट करें, प्लस जो है लॉ थोड़े स्ट्रिक्ट करने पड़ेंगे. कैसेक्शन की तरह की सजाएं देनी शुरू करेंगे इस अगर क्राइम पे, तो दैट विल वर्क आउट. बाकी देखें यार क्या चलता है. एंड मेरा किसी से कोई वो नहीं है, मतलब मैं किसी, मतलब मेरे सबको मानता हूँ, सबसे मेरा प्यार मोहब्बत है, मेरे हर तरह के फ्रेंड्स हैं, सब दोस्त हैं. तो मैं किसी धर्म से, किसी जाति से, मैं किसी को छूता नहीं समझता अपने लिए सर. ठीक है, जब रह रहे तो रहने यार, सब साथ रहने ही है. अब बहुत बार काम पड़ते हैं, मेरे कई नॉन हैं जो दे आर मुस्लिम्स, दे आर सिख्स, दे आर क्रिश्चियंस, दे आर जैनिस, बुद्धिस्ट. तो ठीक है यार, सबके साथ रह के चलना पड़ेगा यार, एक घर की तरह चलेंगे. और ये चीज छोड़ो यार प्लीज है. चलिए राइट जी, चलिए ओके बाय. आज के लिए इतना ही है, बाकी देखेंगे कुछ ना कुछ ऐसा कुछ आएगा तो जरूर बात करेंगे. चलिए डियर, ओके बाय. और प्लीज अगर मेरा कुछ बातें सही लगे तो प्लीज इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना. हम लोग इस मुद्दे पे बातें करेंगे. और भी कोई ऐसा मुद्दा है तो प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, कोशिश करेंगे उस पर हम कुछ ना कुछ ऐसे बात करेंगे. ओके जी, बाय बाय, सी यू.